जी हाँ, आपने थंबनेल में सही पढ़ा, ढोंगी बाबाओं की छुट्टी। जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है DMIT प्रोफेशनल काउंसलर की, जिसमें आप एक छोटे से बैग के साथ या अपने रनिंग प्रोफेशनल के साथ कर सकते हैं। नौकरी पेशा, हाउसवाइफ, कोचिंग सेंटर के मालिक, आप में से कोई भी DMIT काउंसलर बन सकते हैं और इसके साथ महीने का 1.5 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, वो भी मात्र सिर्फ 25,000 रुपये के छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ। DMIT वर्ल्ड ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो ये बिजनेस क्या है, इसमें क्या क्या होता है, आइए इस वीडियो के आगे देखिए। कोरोना के पैंडेमिक टाइम में हर किसी को पैसे की समस्या हुई है। ऐसे में हर कोई एक नए बिजनेस के बारे में या अल्टरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहा है, पर एक वर्ग ऐसा भी है जो कोई प्रोडक्ट या मशीन नहीं बनाना चाहता है, वो एक इंडिपेंडेंट पार्ट टाइम वर्क करना चाहता है। तो ऐसा ही मौका हम आपके पास लेके आए हैं, पर उससे पहले हम आपको ज्योतिषी प्रोफेशनल के बारे में बताते हैं, जिसमें कुंडली से भविष्य की गणना करके मोटी फीस ली जाती है। मैं आपको कोई ज्योतिषी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, DMIT काउंसलर बनने के लिए कह रहा हूँ, जो कि ज्योतिष से भी ज़्यादा असरदार है। माँ के कोख में बच्चा जब 4 से 5 माह का होता है तो उनका फिंगरप्रिंट बनना शुरू होता है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि हर फिंगरप्रिंट ब्रेन से जुड़ा रहता है। इसी बेस पर रिपोर्ट रेडी होती है। DMIT काउंसलर में आपको लैपटॉप और एक स्कैनर की ज़रूरत होती है। आप हस्तरेखा नहीं बल्कि हाथों की फिंगरप्रिंट लेते हैं और ब्रेन एबिलिटी को बताते हैं। सोचिए, अगर आप किसी पेरेंट्स की यह दुविधा सुलझा दें तो कैसा होगा? बच्चा क्या बनेगा, क्या नेचर है, कैसे जल्दी सीखेगा, सोचेगा कैसे? सैकड़े लोग इस प्रोफेशनल को अपना चुके हैं और अपने काम के साथ साथ DMIT बिजनेस कर रहे हैं और परिवारों को अच्छा जीवन दे रहे हैं। तो आप भी हमारी बोर्ड लाइन पर अभी कॉल करें और अपने एरिया की फ्रेंचाइजी बुक करें। चलिए आप लोग को मिलाते हैं सोनाली मैम से, जो कि अपनी इंडिविजुअल DMIT काउंसलर है, अपना खुद का अपना काउंसलिंग सेंटर चलाती हैं। तो नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बहुत अच्छी हूँ मैं। तो मैम, आप जैसे स्टूडेंट्स इस DMIT टेस्ट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए मैम कैसे करते हैं आप? जी सर, देखिए अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं तो आप ये फेसबुक ID व्हाट्सएप पे जो है बच्चे और पेरेंट्स कनेक्ट रहते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा सारे बच्चे हमारे पास में आ जाते हैं। अच्छा, मतलब आप अपने जो भी आपके सेंटर का प्रमोशन आप कर देते हैं कि जी सर, इंस्टा पे फेसबुक पे आपने डाल दिया जी, और उससे स्टूडेंट अट्रैक्ट हो जाता जी, जी, जी। अच्छा मैम, जैसे जो DMIT है इसके लिए आप कितना चार्ज देते हैं किसी भी स्टूडेंट से? खर्च की बात कहें तो यहाँ पे 2,500 रुपया लिया जाता है। अच्छा मैम, जैसे इस DMIT रिपोर्ट में आपका खर्च कितना आता है उसमें एक रिपोर्ट के पीछे? जी सर, एक रिपोर्ट के पीछे जो 500 का खर्च लग जाता है। कैसे? ये एक्चुअली क्या होता है, कुछ पेरेंट जो है हमसे कहते हैं कि PDF में दे दीजिए। अच्छा, PDF में पूरा रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जो है पूरी। थोड़ा सा रिपोर्ट? हाँ सर, ये जो है ये अपने एक बुक बन के आती है और बनाया जाता है आगे के पेजेस। अच्छा, पूरी रिपोर्ट ये इस तरीके की बच्चे की पूरी रिपोर्ट बनकर आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें पूरी चीज़ें जी जी जी, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है सर कि हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है, कैसा करना चाहता है आगे पढ़ने के लिए, ये सारी क्लियर हो जाती है। बहुत इंटरेस्ट लेते होंगे फिर? जी हाँ सर, इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बड़े लोगों का भी अब करते हैं क्या? जी हाँ सर, बड़े लोगों का भी हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। तो महीने का जैसे आप 2,500 चार्ज करते हैं तो आप महीने का मतलब इसमें लगभग कितना कमा लेते होंगे, कितनी आपके पास DMIT आ जाती है अगर एवरेज देखें तो? हाँ, अगर एवरेज की बात करें सर तो रोज की जो अगर एक DMIT भी बनती है तो मंथली जो है हमारे पास 60,000 से 70,000 रुपये का अर्निंग हो जाती है। बहुत अच्छी बात है मैम, मतलब आप अपने पैंडमिक टाइमिंग में आप अपना कर पाते हैं और आपका जो प्रमोशन का जो जरिया है वो सिर्फ आपका सोशल मीडिया है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है? सोशल मीडिया के द्वारा ही सारी चीज़ें हो जाती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैम, ये जो स्कैनर है, लैपटॉप है, ये मतलब हम लोग अपनी चॉइस से ले सकते हैं जो भी? जी सर, ये तो पहले से मैंने अपना अरेंज करके रखा हुआ है सर, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर, है ना? जी सर, थैंक यू सर।